इसी मुद्दे को लेकर के ईटीवी भारत की टीम आवास आयुक्त अजय चौहान से मिली तो उनका कहना था कि विगत 6 महीनों में ऐसी कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है, पर पीड़ितों का आरोप है इसी महीने फरवरी में 2019 फरवरी में एक बाउंड्री वॉल को जेसीबी द्वारा गिराया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए पिछले 6 महीनों में कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अभी फरवरी के पहले महीने में ही वहाँ पे जेसीबी वगैरह ला करके वहाँ मकान गिराया गया है और बीच में भी जो लोग मकान वहाँ अपना कुछ मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं ये लोग उसको वहाँ काम नहीं करने देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वहाँ के कुछ निवासी मौजूद है जो उस समय वहाँ मौजूद थे जब वो बाउंड्री वॉल गिराई गई थी जेसीबी के द्वारा। उन वक्त वो मकान गिर रहा था जो जेई खुर्शीद आलम साहब थे, एईओपी पांडे साहब थे, इनकी देखरेख में बिल्डिंग गिराई गई। जबकि इनसे मैंने बहुत अनुरोध किया, बात करने की कोशिश किया, साहब लोगों से, साहब मेरी बात सुनिए, आप काम बंद करवा रहे हैं, मैं बंद करवाऊंगा, मुझे मौका दीजिए सर, मुझे मौका दीजिए, गिराइए मत, पैसे लगे हैं किसी संजर के, बाउंड्री वॉल थी पूरी, ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी था जी। नहीं देखिए, इसमें ऐसा है कि अवश्य ग्राम के सामने की जो जमीन है वो आवास विकास की एक्वायर्ड लैंड है। इस लैंड पे हम लोगों ने जिन किसानों से ये लैंड एक्वायर की उन किसानों ने फर्दर आप लोगों को ये लैंड बेच दी और किसानों ने ये भी संज्ञान में है कि किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया। बेचने के उपरांत ये लोग यहाँ पर आकर सेटल हो गए। पिछले करीब 6-7 महीने में ऐसी कोई कार्रवाई वहाँ गिराने की नहीं है। हम आप देख रहे हैं कि कल जब हमने आयुक्त से बात करी, आवास आयुक्त अजय चौहान जी से, उनका कहना था कि पिछले 6 महीनों में ऐसी कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करी गई है, लेकिन वहाँ के निवासी का ये आरोप है, निवासियों का वहाँ के, कि एक बाउंड्री वॉल जेसीबी द्वारा गिराई गई है। आपको बता दें जिसकी ये बाउंड्री वॉल गिराई गई है वो अभी भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, कार्यरत है, अभी भी वो अपनी पोस्टिंग पर है और आ नहीं सके हैं इसी वजह से। लखनऊ से योगेश मिश्रा, ईटीवी भारत।